लगातार फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें हम आज की तैयारी करते हैं 20 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जो आपको दमदार रिटर्न दे सकते हैं। इस शो में आपको बताएंगे, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। वीकेंड अच्छा गुजर रहा था, ये बस लास्ट वीक से खबर ना आती तो बहुत बेहतरीन वीकेंड था इस बार। इनफैक्ट अगर आप देखिए इस खबर को, यूएस के मार्केट या एशियन मार्केट में कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि दुखद घटना है, काफी सारे लोग मरे हैं, लेकिन बाजार इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि यूएस के मार्केट कल रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए। यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया था 13 साल की ऊंचाई पर आया, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस था, उस वजह से डॉलर में गेन है। उस वजह से आप देखिए कि एशियन मार्केट्स में आज तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला है, और ज्यादातर क्यूज अगर आप देखें जो हमारे पास हैं आज के लिए, वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट यानी कि अभी इंटरनेशनल क्यूज कोई बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं हो सकता है कि लोअर लेवल से कुछ खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिले। और सेंसेक्स निफ्टी पे यही बता रहा, देखिए जो शुरुआत हुई है ना वो कुछ पॉजिटिव नोट पे हुई है। और जैसे संदीप बता रहे थे कि एक तो कोरिया के मार्केट्स बंद है, उसके बाद चाइनीज मार्केट यहाँ पर बंद है। सेंसेक्स निफ्टी फिलहाल 0.2% के आसपास के गेन्स शो कर रहा है। कॉस्पी और यहाँ पर चाइनीज मार्केट्स को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द प्ले देखिए। ताइवान में कुछ निष्कर्षों से कुछ खरीदारी डेफिनेटली आज के सत्र में एमोर जो रही निके पॉजिटिव है, तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स में बेहतर रुझान देखने को मिले। ऐसे में क्योंकि हम एक लॉन्ग वीकेंड के बाद वापस में मार्केट्स में आ रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स जो आपके फोकस में रहने चाहिए वो आपको बताएंगे। लेकिन रिकॉर्ड खरीदारी इस समय देखने को मिल रही, रिकॉर्ड स्तरों पर हैं यूएस मार्केट्स। आपको भारतीय बाजार पे जो पिछला सत्र गुजरा उसमें लवेबल बताया गया था और ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था। ये जो स्पेस है हुजरी काउंटर सबसे ज्यादा चढ़े पिछले सत्र में, बहुत खुश हो रहे हैं संदीप इस समय। लेकिन लवेबल 10% का रिटर्न क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला, 248 का लेवल। साथ ही साथ यूपीएल यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, शुरुआती सत्र में ही तेजी बनी, 780 तक इसे ले गई, ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था। तेजी बनाई होती तो अच्छा मुनाफा मिलता। इसके अलावा नालको पे खरीदारी करने की सलाह थी, मेटल पैक एक्टिव था, लोअर लेवल से खरीदारी थी, 7950 का लक्ष्य इसने हासिल किया, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वेदांता में भी 316 का टारगेट हिट, 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी बंद होता हुआ नजर आया। कैपिटल फर्स्ट पिछले सत्र में चढ़ा, 2% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली, और 735 की क्लोजिंग है, 735 का ही टारगेट था। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स आउट परफॉर्म कर गया मार्केट को, संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था, 655 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह थी और यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ। HDIL में भी 5750 का टारगेट जो दिया गया था उसमें वहां तक पहुंचा है स्टॉक। हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, लेकिन रियलिटी स्पेस बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा है लोअर लेवल से। पटेल इंटीग्रेटेड एक और स्टॉक जिसने शुरुआती टिक्स में ही अपने लक्ष्य को हासिल किया, बहुत चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स शेयर्स पे खरीदारी होती चली जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हिट हो गए, आज भी उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो में तेजी के सौदे ज्यादा होंगे जिस तरीके से ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत किससे करेंगे आप? बिल्कुल, तेजी के सौदे ज्यादा होंगे और शुरुआत में एक इनफैक्ट सेल कॉल के साथ करना चाहूंगा, जिसमें मुझे लगता है कि शायद आज तेज बाजार में भी शायद गिरावट का जो रुझान ज्यादा देखने को मिले। नो गेस कर लीजिए, हो सकता है ईडीजी पैक से जुड़ा हो एक काउंटर। ईडीजी पैक के दो काउंटर मिले इसमें, लेकिन पहला स्टॉक जो है बिकवाली का है, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन का। इसमें देखिए एयरसेल के साथ इनके जो वायरलेस कारोबार है उसका मर्जर होना था, उसको अब कंपनी ने रद्द कर दिया है। कई सारी रीजंस बताई गई, इसमें कुछ लीगल हर्डल्स की बात की गई, जिस वजह से उनका कहना था कि म्यूचुअली ये जो मर्जर है उसे अब रद्द करने की बात की गई है। काफ़ी देरी हो रही थी इस मर्जर को पूरा करने में, ऐसा जो अनाउंसमेंट्स है वो कंपनी की ओर से सामने आया है। तो ये एक डैम्पनिंग फैक्टर है, क्योंकि देखिए ये जो एयरसेल के साथ मर्जर और उसके साथ साथ इनकी जो टावर डील होनी है ब्रुकफील्ड के साथ, उससे ही इनके जो कुल कर्ज है उसमें करीब 60% के आसपास ही कमी आनी थी, और मार्केट काफ़ी एंशियसली ये जो 30 सितंबर की डेडलाइन है उसे वेट कर रहा था, क्योंकि यही एक डेडलाइन है जो कि कंपनी ने कहा था कि हम जो एयरसेल का मर्जर है उसे पूरा कर लेंगे और टावर डील भी पूरी हो जाएगी, जिससे डेट में करीब 60% के आसपास का रिडक्शन आ जाएगा। तो इससे बाजार का जो एंटिसिपेशन है उसको काफ़ी धक्का लगेगा। और इनफैक्ट एक CLSA की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है, पहले भी वो बिकवाली की सलाह दे रहे थे, अगर मुझे सही याद है तो पहले वो 19 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे थे, अब उसे घटाकर उन्होंने 17 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो हो सकता है कि ये जो खबर आई उस वजह से जो फ्राइडे को गिरावट हुई थी उसके बाद आज फिर से एक बड़ा डाउनसाइड इस काउंटर में खुलता हुआ दिखे। 18 रुपये 20 पैसे तक के जो टारगेट्स हैं उन्हें डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं, 19 रुपये 40 पैसे ये आपका दिन के दौरान ऊपर की ओर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करके चलना है। दूसरा जो शेयर है वो एक खरीदारी का ट्रेड है, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है डिक्सन टेक, जिसकी लिस्टिंग काफी शानदार देखने को मिली थी। हो सकता है कि आज फिर से जो गेन्स है, हाल फिलहाल जो करेक्शन हुआ है हायर लेवल से, उसके बाद फिर से अब जो तेजी का रुझान है इस काउंटर में देखने को मिले, क्योंकि लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि और दशहरा के दौरान जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री है उसमें 15% के आसपास से गेंस देखने को मिले हैं। पिछले साल के मुकाबले जो गेंस है वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखिए, एक तो अच्छा मानसून रहा है, कुछ अच्छी फाइनेंसिंग स्कीम्स है जो कि कंपनी की ओर से लाएगी, और उसके साथ साथ
जो सप्लाई की दिक्कतें जीएसटी से शुरू हुई थी वो खत्म हुई है। तो ये तीन मेन फैक्टर है जिस वजह से आप देखिए नवरात्र दशहरे की जो सेल्स हैं वो करीब 15% साल दर साल बढ़ती हुई दिखी। तो उसका जितनी भी ऐसी कंपनियां जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है या तो फिर उनको सप्लाई करती हैं जो कि डिक्सन टेक जैसी कंपनीज हैं, इन पे आज आप नजर रख के चले, हो सकता है काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखें। आज अगर आप इसमें खरीदारी करें तो 2700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। 2610 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चले। चलिए, त्योहारों में एक स्पेस है जो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न देता है, एक तो है रिटेल स्टॉक्स और दूसरा फूड एफएमसीजी से जुड़ी कंपनियां। फ्यूचर कंज्यूमर इस कारोबार में है, फूड और एफएमसीजी प्रमुख कारोबार है इस कंपनी का और त्योहारों में स्पेसिफिकली यहां पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सभी एवरेजेस के ऊपर टेक्निकली कामकाज कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं जो कंज्यूमर गुड्स की बिक्री के आंकड़े अभी तक आ रहे हैं ना वो बहुत शानदार हैं, तो हो सकता है कि वो और कैरी फॉरवर्ड हो और वो रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। फ्यूचर कंज्यूमर टेक्निकली जिस तरीके से चढ़ा 4% के आसपास के रिटर्न्स प्रीवियस सेशन में दिखे, आज 63 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। 59-50 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड पे लगाना होगा। ऑटो नंबर्स कुछ कंपनियों के बहुत स्ट्रांग हैं जिसमें बजाज ऑटो 18 महीने के उच्चतम स्तर पर सितंबर बिक्री रिपोर्ट की है कंपनी ने। सितंबर में जो कुल बिक्री है उसमें 14% का इजाफा हुआ है, 4.28 लाख यूनिट कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचा है। 11% बाइक बिक्री बढ़ी है, सीवी बिक्री 32% का इजाफा दिखा के गई है और एक्सपोर्ट्स में भी शानदार बढ़त है 21% के आसपास की। तो स्ट्रांग नंबर्स हैं, पिछले सत्र में भी 2% की रफ्तार स्टॉक पे देखने को मिली, आज के सत्र में चढ़ा तो 31.40 तक के लक्ष्य बजाज ऑटो पे लगाकर चले और 30.95 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। पिछली क्लोजिंग के ऊपर ये स्टॉक निकलता है प्राइस तो आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। आईटी स्टॉक से आईटी स्पेस से इनफैक्ट एलएनटी इन्फोटेक, इस पे आज आप नजर रख के चले, हो सकता है कि कुछ जो बड़े गेंस हैं इस काउंटर में बनते हुए दिखें। इनफैक्ट फ्राइडे को भी देखें काफी अच्छे गेंस इस काउंटर में देखने को मिले थे। दरअसल सीबीडीटी से इस कंपनी को $10 करोड़ का एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हाथ लगा है टैक्स इवेडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो ऑर्डर है ये दरअसल सीबीडीटी की ओर से इस कंपनी को जारी किया गया है और सोशल मीडिया एनालिटिक्स लगाकर ये जो टैक्स कंप्लायंस है उसे बढ़ाने की कोशिश है सरकार की, जिस वजह से एलएनटी इन्फोटेक को चुना गया है। तो इस जो बड़ा ऑर्डर विन है उसका इंपैक्ट आज हो सकता है कि पॉलिसी साइड पर देखने को मिले। फ्राइडे का मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा 814 तक की जो चाल है काउंटर में ऊपर की और देखने को मिल सकती है, 790 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं सितंबर महीने के वो काफ़ी रोबस्ट देखने को मिले हैं। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी है तो उसके साथ साथ जो ऑटो बिक्री है वो भी काफ़ी मजबूत देखने को मिली है। नवरात्रि का जो इंपैक्ट है वो पूरी तरह से देखने को मिला। तो टाटा मोटर्स पे आप नजर रख के चलें, इनकी जो कुल बिक्री है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़त आई है, पैसेंजर बिक्री 18% और कमर्शियल व्हीकल बिक्री सरप्राइज करने वाले आंकड़े हैं 29% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो कि टाटा मोटर्स के लिए आज काम करिए, क्योंकि जो इनका डोमेस्टिक कारोबार है उसके टर्न अराउंड के ऊपर कंपनी का पूरा फोकस है और अगर कमर्शियल व्हीकल बिक्री बढ़ती है तो जाहिर सी बात है टाटा मोटर्स के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर इस कंपनी के साथ ये जुड़ी हुई है कि ईईएसएल जो कि एक सरकारी कंपनी है उसने जो 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टेंडर जारी किया था उसके लिए इस कंपनी ने बोली जीत ली है। दो फेज में जो बसें हैं वो सप्लाई की जाएंगी, पहले फेज में 500 बसें जो कि नवंबर में ही सप्लाई होंगी और दूसरे चरण में 9,500 बसें सप्लाई की जाएंगी। तो टाटा मोटर्स के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं जिस वजह से एक बड़ी चाल ऊपर की और इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 412 का पहला टारगेट लेके चलें अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखें, फर्दर गेंस के लिए भी अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके आप उतर सकते हैं, लेकिन शुरुआती कारोबार में 397 का स्टॉप लॉस लगाना स्ट्रिक्टली ना भूलें इस काउंटर में। लेकिन एविएशन कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जेट फ्यूल की कीमतें फिर से बढ़ी हैं, 6% का इजाफा इस बार हुआ है और लगातार तीसरे महीने जेट फ्यूल के दाम में जो है वो इजाफा हुआ है और कच्चा माल एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इसी जेट फ्यूल का कंपोनेंट होता है। इंडिगो बेच सकते हैं आप 1078 से 1075 के टारगेट्स के लिए, 1102 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। हो सकता है शुरुआती टिक्स में जेट एयरवेज इंडिगो जैसे जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन मैं फिर बता दूं बहुत ज्यादा टूट चुके हैं तो अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा अगर आप एविएशन पे आज कोई भी कॉल ले रहे हैं तो। ONGC और यहां पर खबर बहुत पॉजिटिव है, जी बिजनेस की खबर पे एक मोहर लगी है और वो खबर ये थी, हमने आपको पिछले सत्र में बताई थी कि हो सकता है गैस कीमतें जो हैं उनके प्राइसेस को रिवाइज किया जाए 1 अक्टूबर से और बिल्कुल उसी तर्ज पे खबर आई है, $2.48 से बढ़कर 2.89 ये अब नई गैस कीमतें हो गई हैं, यानी कि 17% का इजाफा है और ONGC, IGL, गेल इन सभी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। पोजिशनल बेसिस पे काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती हैं ये कंपनियां। जेफरीज की रिपोर्ट आई ONGC पे जिसपे लक्ष्य 200 का बरकरार रखा है उन्होंने, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ना पॉजिटिव है। एबिटा FY21 तक लगभग 39% बढ़ सकता है उनके हिसाब से और साथ ही साथ एक साल में नेचुरल गैस कीमतें फिर से 10-15% का इजाफा उसमें शो हो सकता है। पॉजिटिव रिपोर्ट ONGC के लिए है, 176 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, 169 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए, तो 8 शेयर हमने आपको बता दिए हैं जिसमें कुछ बिकवाली और खरीदारी दोनों के ट्रेड्स हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की।
आज के लिए जो बताओ ईपीएस शेयर मैंने चुना है वो एक ईडीजी पैक का स्टॉक है, रिलायंस कम्युनिकेशन रजत मैंने पहले कहा था वो बिकवाली का ट्रेड है, लेकिन दो ट्रेड्स की बात मैंने करी थी। जो दूसरा ट्रेड ईडीजी पैक से वो है रिलायंस इंफ्रा का, इसमें लेकिन खरीदारी करके चल सकते हैं। जो खबरें हैं वो पॉजिटिव साइड पे हैं और हो सकता है कि उसका एक जो इम्पैक्ट है आज स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव करता हो। देखिए इनकी पावर कारोबार बेचने की योजना है ऐसा इनकी एजीएम में अनिल अंबानी ने हाईलाइट किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ग्रीनको नाम की कंपनी जिसने इनकी जो मुंबई पावर कारोबार है उसके लिए बोली लगाई है और जो रकम बताई गई है वो करीब 210 करोड़ डॉलर के आसपास की है। इंडियन करेंसी में आप इसे कन्वर्ट करें तो करीब 13 से 14 हजार करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस केवल जो मुंबई का पावर कारोबार है उससे ही इस कंपनी को मिलती हुई दिखेगी अगर आप ग्रीनको की बोली के हिसाब से देखें। इनफैक्ट अगर आप शुक्रवार को जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट कैप देखें तो 12,223 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि जो कुल मार्केट कैप है उससे ज्यादा बड़ी जो डील है वो मुंबई पावर कारोबार की ही देखने को मिलेगी। बाकी जो इनके रोड एसेट जो बाकी कारोबार है उसकी वैल्यू तो आप छोड़ दीजिए। तो उस लिहाज से अगर ये सौदा फ्रक्टिफाई होता है तो जाहिर सी बात है कि रिलायंस इंफ्रा में मौजूदा लेवल से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जो खबर है इस स्टॉक को आज ऊपर की ओर ड्राइव करेगी, आप भी तेजी के सौदे इसमें बना के चल सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि 488 तक के जो जोन है वो आसानी से देखने को मिलेंगे, हो सकता है काउंटर आज दिन के दौरान 500 रुपए तक के जो लेवल्स हैं उनको भी टेस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर है, तेजी बड़ी देखने को मिल सकती है लेकिन स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें इस काउंटर में। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फेडरल इलेक्ट्रिक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में उतारा है। देखिए त्योहारी सीजन का ट्रिगर तो है ही, लेकिन डिफेंस और रेलवे के लिए बहुत बड़े कॉम्पोनेंट जो है सप्लायर वो फेडरल इलेक्ट्रिक ही है। अब ये भी बात है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और गुड्स शेयर्स को नहीं भूल सकते। त्योहारी सीजन में लगभग जो अभी तक के बिक्री आंकड़े आए हैं उसमें 15% का इजाफा हो चुका है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिक्री में वन बाय बेसिस पे और सेल्स रिपोर्ट कर सकती हैं कंपनियां। तो फेडर्स हेवल्स वोल्टास ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर ट्रेडर्स ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अगर आप फेडरल इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो 66 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, 72 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं कौन से 10 स्टॉक्स आपको बताए गए। मैंने शुरुआत रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ करी है, बिकवाली का ट्रेड है यहाँ पे, इन्होंने एयरसेल के साथ जो मर्जर है उसे रद्द कर दिया है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे हो सकता है। डेट कम करने की जो कोशिश थी कंपनी की उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। सीएलएसए ने तो नीचे की ओर 17 रुपए तक के टारगेट प्राइस दिए हैं, 18-20 का टारगेट लेकर बिकवाली करें, 19-40 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जो नवरात्रि दशहरा के दौरान बिक्री के आंकड़े आए हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वो बेहद स्ट्रॉन्ग है, तो डिक्सन टेक ऐसी ही जो बड़ी कंपनी जिनके सेल्स काफी बड़ी है उनको सप्लाई करती है, हो सकता है इसमें आज तेजी देखने को मिले। 2700 रुपए का टारगेट प्राइस, 2610 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। एलएनटी समूह की जो आईटी कंपनी है एलएनटी इंफोटेक इसमें नजर रखें, 10 करोड़ डॉलर का सीबीडीटी से एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा है। फ्राइडे को तेजी थी, आज हो सकता है 814 रुपए तक की जो चाल है उस काउंटर में देखने को मिले। टाटा मोटर्स एक तो ईईएसएल से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर इस कंपनी ने जीता है, सबसे कम बोली लगाई है, और दूसरी ओर जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं सितंबर महीने के वो बेहद पॉजिटिव है जिसमें सीवी बिक्री 29% बढ़ी है जो कि सरप्राइजिंग है। आज के लिए 412 का टारगेट प्राइस, 397 का स्टॉप लॉस रखें। और एडीजी पैक से ही रिलायंस इंफ्रा से मैंने बताया ईपीएस चुना है, इनका जो पावर कारोबार बिकने की खबरें हैं वो हो सकता है मार्केट कैप से ज्यादा रकम पर बिकता हुआ दिखे, तो उसका एक इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर रहेगा। आज टारगेट प्राइस होगा 488 का, 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। शुरुआत मैंने फ्यूचर कंज्यूमर के साथ की है, फूड और साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है, फ्यूचर कंज्यूमर उसका क्लियर कट बेनिफिशियरी है। 63 का टारगेट, 5950 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, सितंबर में जो बिक्री है वो 18 महीने के उच्चतम स्तर पे है, बजाज ऑटो आज भी चल सकता है। 3140 का टारगेट रहेगा, 3095 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ATF कीमतों में रिवीजन हुई है और 6% ATF के दाम बढ़ गए हैं। इंडिगो के लिए नेगेटिव खबर, 1078 का टारगेट, 1102 का एक स्टॉप लॉस, बेचकर चल सकते हैं। शुरुआती सत्र में स्ट्रिक्टली टारगेट स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। ONGC 176 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें, 169 का एक स्टॉप लॉस। गैस कीमतों में रिवीजन गैस स्टॉक्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे आज, ONGC IGL गेल जैसे स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। और EPS शेयर मैंने उतारा है फेडर्स इलेक्ट्रिक को अपने पोर्टफोलियो में, 72 का टारगेट, 76 का स्टॉप लॉस। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, 10 ट्रेड आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो बाकी बचे 10 ट्रेड हैं वो भी आपको बताएंगे जिसमें दो होंगे आज के सुपर हिट शेयर भी।